हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मुगलई पराठा। और ये एक मुगलई पराठा है, अंडे वाले मुगलई पराठा। तो देखिए, उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या लाएंगे मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। देखिए, एक मुगलई पराठा बनाने के लिए हमने चार चार अंडे लिए हैं। थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर मैं इसमें यूज़ करूँगी। 2 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक हमने लिया है, कोरिएंडर लीव हमने 2 टेबल स्पून बारीक चॉप कर लिया है, एक शिमला मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है, एक टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है, और ये 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो शिमला मिर्च और टमाटर के बगैर भी इसे सिर्फ प्याज और हरी मिर्च धनिया पत्ते से बना सकते हैं। तो चलिए, और ये मैदा हमने 2 कप मैदा हमने अच्छी तरह से छान कर ले लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। तो इसकी डो रोटी या चपाती के जिस तरह से डो बनाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट उस तरह का डो हमें बनाना है। तो चलिए पहले डो बनाते हैं। तो चलिए, मैदे में थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, नहीं आप स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है, और मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं, ऑयल और नमक को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है, और मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और ये रेसिपी मेरी शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस रेसिपी को देखकर बना सके। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो को आप पहले सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालती जाऊँगी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर, एक साथ पानी मत डालिएगा नहीं तो ये गीली हो सकती है। जैसे रोटी और चपाती की डो आप लगाते हैं, सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है, 1/3 कप पानी हमने लिया है। देखते हैं इसमें कितना यूज़ होता है 2 कप मैदे में। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसका डो लगा लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने रोटी चपाती का जिस तरह से आटा हम गूंथते हैं, उस तरह का सॉफ्ट हमने आटा गूंथ लिया है। थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर हम इसे अच्छी तरह से शेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसे थोड़ा सा तेल लगाकर हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब इसे आप देख सकते हैं किस तरह का डो हमने लगाया है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा फूल कर सेट हो चुका है, और इतने आटे को गूंथने में हमें इस कप से 1 कप पानी लगा है। देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से सेट हो गया आटा हमारा। तो थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर हम इसे फिर से गूंथ लेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इसे फिर से हम अच्छी तरह से इस तरह से फिर से मसल कर गूंथ लेंगे। देखिए, हाथों में तेल लगाकर हमने इसे फिर से मसल कर सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिकना हो गया है। तो पहले हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे, नहीं तो अंडे को अगर मिक्स करके हम रखेंगे तो वो पतली हो जाएगी, इसलिए पहले मैं इसकी लोई तैयार कर लेती हूँ। तो इसे हमें मैदे आटे के साथ नहीं बेलना है, मैदे आटे के साथ नहीं बेलना है, इसमें तेल लगाकर मैं बेलूंगी। तो इस तरह से चकली पर तेल लगा लेना है अच्छी तरह से, और थोड़ी तेल हम बेलन में भी लगा लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से रोटी की तरह से बड़ा सा हमें रोटी की तरह बेलकर रेडी करना है। तो इस तरह से हमने पहले से ऑयल लगा लिया। तो चलिए, एक लोई ले लेते हैं।
थोड़ी बड़ी लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह से गोल कर लेते हैं। तो इस तरह की दो लोई मैं बना लेती हूँ, आपको दो मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो इतनी बड़ी एक और लोई बना लेते हैं। दो लोई हमने बना ली है, इसे हम अच्छी तरह से बेल कर जितना बड़ा हो सके, यदि आप आटे या मैदे के से बेलेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगी, तो इस तरह से बेल लेना है। गोल बनाना ज़रूरी नहीं है, इसे हमें बड़ा सा बेल लेना है। इस तरह से जितनी बड़ी हो सके इसे बेल लेते हैं। देखिए ऑयल लगा के हमने इतनी बड़ी रोटी एक बना ली है। तो पहले मैंने एक बेल ली है, तो चलिए अंडे को फेंट लेते हैं। इसका जो बैटर हमें बीच में भरना है स्टफिंग, उसका उसे रेडी कर लेते हैं। पहले मैंने इसलिए बेली क्योंकि इसे फटाफट बनाकर हमें फ्राई करना होगा, नहीं तो ये महने लगेगी। और अंडा यदि पहले से फेंट कर रख देंगे तो वो पतली हो जाती है। तो चलिए अंडे को फोड़ कर बैटर तैयार करते हैं। तो देखिए अंडे को फोड़ कर पहले एक बॉल में डाल लेते हैं। चारों अंडे को फोड़ लेते हैं। तो इसमें पहले मैं नमक ऐड करूंगी, आटे में भी मैदे में भी हमने नमक ऐड किया है, इसलिए नमक आप स्वाद के अनुसार ही ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक और ये काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मिर्च, ये 1 टोमेटो जो हमने कट करके रखा था इसे ऐड कर देते हैं, शिमला मिर्च, कोरिएंडर लीव्स, प्याज, इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, इसे ज़्यादा हमें फेंटना नहीं है, नहीं तो अंडे को ज़्यादा फेंटने से वो पतली हो जाएगी। तो फटाफट मुझे इसमें स्टफिंग डालूंगी मैं बिल्कुल सेंटर में, और स्टफिंग जब आप डालिएगा तो जो इसमें जो सब्जियां हैं उसे अधिक डालिएगा, अंडा का यूज़ कम कीजिएगा, नहीं तो ये बहने लगेगी। तो देखिए इस तरह से हमने डाल दिया। अब इसे हमें फटाफट इस तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल लिफाफे की तरह, और इसमें कुछ लगाना नहीं है, हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है ये इस तरह से, ये उंगली से हल्का हल्का प्रेस, इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए और इसे फटाफट हमें फ्राई करना है। तो ऑयल हमने पहले से ही गर्म करके रखी हुई है कढ़ाई। तो देखिए इसे एकदम केयरफुली हमें इसमें डाल देना है, ऑयल हमारी गर्म है। इसके ऊपर इस तरह से गरम तेल को डालते जाइए ताकि ये ऊपर से भी सिक जाए। इसे आप कम तेल में बनाना चाहेंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि ये इसी तरह से बनती है, यदि आप पैन में बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से सिकेगी भी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ ऐसी ही बनती है और टेस्टी भी ऐसी ही लगती है। तो चलिए इसे थोड़ा सा जैसे ही एक तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाए हम इसे पलट लेंगे, और ऑयल को इसके ऊपर इस तरह से डालते रहिए ताकि ये ऊपर से भी सिकती जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये एक तरफ से ब्राउन हो गई है और इसे हमने पलट लिया है, पलट कर भी हम इस तरह से इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। जैसे ये पक कर रेडी हो जाएगी इसके अंदर का जो अंडा का बैटर है वो सेट हो जाएगा, ये बीच से फूल जाएगी। ऑयल को इस तरह से डालते रहना है हमें। देखिए एक बार और हमने इसे पलट लिया है और ये ऊपर से बीच से आप देख सकते हैं ये फूलने लगी है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम इसे
किचन टॉवल पर या किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक बार मैं और पलट कर इसे देख लेती हूँ, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालते वक्त यदि साइड में आप इस तरह से रोक लेंगे तो इसमें ऑयल बाहर ज़्यादा नहीं आएगी। तो चलिए एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं और दूसरी वाली को हम बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतने बड़ी हमने बेल रोटी बेल ली है, इसे ज़्यादा पतला हमें नहीं बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये अंडे वाले बैटर को डालेंगे, ठीक सेंटर में हमें इसे डालना है इस तरह से। और जब इस बैटर को डालिए तो इसमें जो सब्जियां हैं उसे अधिक डालिए और अंडे वाल का हिस्सा कम डालिए, नहीं तो अंडा जो है हमारा बहने लगेगा। और फटाफट इसे हमें फोल्ड करना है, नहीं तो ये हमारी बहकर बाहर आ जाएगी। और इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो एक लिफाफे की तरह हमने इसे पैक कर दिया, आप देख सकते हैं। और ऑयल हमने कढ़ाई में पहले से ही रख दी थी गर्म होने के लिए। तो चलिए इसे कढ़ाई की तरफ चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो देखिए ऑयल हमारी गर्म है, इसे केयरफुली डाल देना है। देखिए इस तरह से ऑयल हमें इसके ऊपर, गर्म ऑयल को आप ऊपर से इस तरह से डालते जाएंगे तो ऊपर तरफ भी हमारी अच्छी तरह से ये सिक जाएगी। इस तरह से हमें ऑयल ऊपर डालते जाना है और गोल्डन ब्राउन जैसे ही हो जाएगी हमें इसे पलट लेना है। देखिए हमने इसे पलट दिया, आप देख सकते हैं ये नीचे वाली भाग सिक चुकी है। इसे भी हम इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालते रहेंगे और इसे एक बार और हम पलट देंगे जब उस तरफ से सिक जाए। तो देखिए ये बीच से फूल चुकी है, बीच से ये फूल गई है, इसका मतलब ये सिक चुकी है अच्छी तरह से। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और निकालते वक्त आप इसे यदि इस तरह से साइड में रोक लेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारी कढ़ाई में ही चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं आई है। यदि आप फ्राई पैन में बनाएंगे तो उसमें इससे अधिक ऑयल लगेगी। तो इसे फ्राई करके ही बनाइए, अच्छी बनती है, क्रिस्प बनती है। तो और एक बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दूसरी रोटी भी हमने बनाकर रेडी कर ली है। इसे भी सेम मेथड से हमें बीच में सिर्फ सेंटर में ही हमें इसे डालना है और फटाफट डालकर इसे हमें पैक करना है, नहीं तो आप देख सकते हैं ये साइड से निकलने लगी है। तो इसे फटाफट पैक करते हैं इस तरह से। इसे फटाफट इस तरह से बंद कर लीजिए, इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हल्का इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगी। तो देखिए इसे हमने पलट लिया दूसरे वाले को भी, और इसके इस तरफ भी हमें ऑयल को इस तरह से डालते जाना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। और इसे भी हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो हम गैस को कर लेते हैं ऑफ और इसे भी मैं उसी तरीके से निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं इधर से भी बहुत ही अच्छी तरह से सिक गई है। तो इस तरह से रोक कर कढ़ाई में हम एक प्लेट में निकालते हैं इसे। देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत क्रिस्पी बनी है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगी एक स्पून से। तो देखिए ये दोनों ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे आपको एक को कट करके दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी पकी है। एक को इस तरह सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छी, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसे बीच से कट करते हैं, आप कट करते वक्त भी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से ये, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंडा कितनी अच्छी तरह से ये पक गया है। तो ये हमारा मुगलई पराठा बनकर रेडी हो गया है।
आप इसे आलू की सब्जी, सैलेड जिसके साथ चाहे खा सकते हैं। आलू की सब्जी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए इसे सर्व करते हैं इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप शाम के नाश्ते में भी इसे बना कर खा सकते हैं, रात के खाने में भी आप इसे बना कर खा सकते हैं। जब आपका जी चाहे आप इसे बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बनकर रेडी भी हुई है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।